दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्स्टेंट का यूज कैसे करते हैं। जनरली अभी तक हमने दो कॉन्स्टेंट सीख लिए हैं, ठीक है। पहला था हॉरिजेंटल और दूसरा था वर्टिकल। हॉरिजेंटल और वर्टिकल सीख लिया है, जैसे कि हमने इस लाइन में भी अप्लाई किया था। जब हम ड्रा टूल बार में चल के कोई लाइन बनाते हैं तो ये लाइन अगर नीचे की तरफ आ रही है तो वर्टिकल बन रही है, क्योंकि वहाँ पे वी नज़र आ रहा था, ठीक है। अब अगर यच नज़र आ रहा है और लाइन आपने बना दी तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल कॉन्स्टेंट अप्लाई हो गया ऑटोमेटिक। तो आपने दो कॉन्स्टेंट के बारे में पिछले वीडियो में ही हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया था। बाकी बचे कॉन्स्टेंट इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहला है फिक्स, ठीक है। अगर हमने कोई लाइन किसी भी तरीके की बना दी ऐसे और हम इसे फिक्स करते हैं तो ये फिर फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको मॉडिफाई में जाके और चाहे तो ड्रैग कर लें तो ड्रैग नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट को चाहे तो। देखिए इसका इवन इसका एंगल बढ़ा पा रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन इसकी पोजीशन को कम नहीं इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं। और ना ही हम इसमें कोई डायमेंशन जैसे कि कोई एंगल अप्लाई कर सकते हैं। एंगल नीचे वाली लाइन पहले फिर ऊपर वाली, ठीक है। ये एंगल अप्लाई हो गया। अब इस एंगल के हिसाब से इसमें 32 जी, इससे हम 45 रखना चाहते हैं। तो ये देखिए ये 45 नहीं हो रहा, ठीक है, 45 नहीं जा रहा, क्योंकि ये जिस एंगल में है उसी में रहना चाहता है, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी फिक्स कर रखा है। तो ये मीनिंग है कॉन्स्टेंट में फिक्स करने का। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल। किसी लाइन को जैसे ये लाइन ऐसे हमने बना दी और ये लाइन ऐसे बना दी, हम चाह रहे थे कि ये वाली लाइन थोड़ी सी एकदम हॉरिजॉन्टल बने लेकिन थोड़ी सी नीचे आ गई है। तो इसको ठीक करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल में चलेंगे और इसमें हॉरिजॉन्टल कॉन्स्टेंट अप्लाई करेंगे। और वर्टिकल में जैसे कि इस लाइन को अगर वर्टिकल करना चाहते हैं तो ऐसे वर्टिकल कर देंगे। जब एक बार कॉन्स्टेंट अप्लाई कर लेंगे तो दोबारा कॉन्स्टेंट नहीं लगा पाएंगे उनमें हम लोग। अब देखिए यहाँ से हम सिलेक्ट टूल में जाके अगर किसी एक एंटिटी को, जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही सिलेक्ट किया डिटेल व्यू में इसके इस लाइन एलन 230 के बारे में पूरी डिटेल आ गई, ठीक है। इसका नाम ये है, स्केच 4 में है ये, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है, और इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एंगल इसका कितना है, ठीक है, 0 डिग्री है, अंडर कॉन्स्टेंट है, पोजिशन कॉन्स्टेंट नीडेड। अभी इसकी पोजीशन फिक्स करना बकाया है। पोजीशन फिक्स होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस से, यानी एक्स और वाई से डिस्टेंस डिफाइन करके, तो वो अभी बकाया है इसकी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस में है, हॉरिजॉन्टल है। कोऑर्डिनेट इसके दिए गए हैं सारे, ठीक है, कोऑर्डिनेट में भी इसको सब कुछ बताएगा आपको। और पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें, जितने पॉइंट हैं अंडर कॉन्स्टेंट हैं और उन्हें डिफाइन करना बकाया है। इसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर। अब देखिए जैसे कि हमने एक लाइन ड्रा की इस जगह से, अभी ये परफेक्ट परपेंडिकुलर नहीं है, इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बने तो हम परपेंडिकुलर में चलते हैं, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। अब देखिए ये लाइन तो पहले से ही फिक्स थी, इसका एंगल चेंज नहीं हो सकता, तो इसी लाइन का एंगल चेंज होके 90 डिग्री हो गया, ठीक है। जब हम इसमें परपेंडिकुलर का कॉन्स्टेंट लगा दिए, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, तो अब हम डायमेंशन में जाके 90 डिग्री का एंगल नहीं लगा सकते। ये देखिए ये मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये गलतियाँ मत करिएगा, ठीक है, हम इसे अंडू कर देते हैं। तो जैसे कॉन्स्टेंट में चलते हैं। नेक्स्ट आता है टेंजेंट। अगर हमारे पास एक सर्कल है और एक और यहाँ पे सर्कल है, हम चाहते हैं एक लाइन इन दोनों पे टेंजेंट हो, ठीक है, ये लाइन आपस में इन दोनों पे टेंजेंट हो, तो इसको टेंजेंट कराने के लिए कॉन्स्टेंट में चलते हैं, टेंजेंट लेते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस सर्कल को सिलेक्ट किया, तो ये देखिए सर्कल अपनी जगह से उठ के इस लाइन के पास चला गया। इस लाइन सर्कल को और लाइन को सिलेक्ट किया तो लाइन नीचे आ गई, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स नहीं है। मॉडिफाइंग चलते हैं, ड्रैग करते हैं, ठीक है, किसी का पोजीशन फिक्स नहीं है। ये देखिए अगर लाइन को मूव करेंगे ना तो वो दोनों सर्किल इस लाइन पर टच रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे लाइन इधर उधर जाएगी वो भी मूव हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, किसी भी सर्कल का रेडियस फिक्स नहीं है, पोजीशन फिक्स नहीं है, बस ये फिक्स है ये दोनों सर्किल हमेशा इस लाइन पर टच होते रहेंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टेंट। अब देखिए इनको बाकी चीज़ डिफाइन करने के लिए हम डायमेंशन में जाके इनकी
रेडियस और पोजीशन डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है जैसे सपोज दैट इस लाइन को अगर इस पॉइंट पे कोइंसिडेंट यानी एक जगह पे करना चाहते हैं तो हमें कोइंसिडेंट कमांड को यूज करना पड़ेगा। इस पॉइंट को लिया और ये दोनों पॉइंट आपस में कोइंसिडेंट हो गए यानी एक सेंटर पे एक जगह पे आ गए। अब अगर आप इस पॉइंट को इसके साथ कोइंसिडेंट करेंगे तो आप दिमाग लगाकर बताइए कौन सा पॉइंट मूव करेगा। एक्चुअली में ये पूरा ऑब्जेक्ट फिक्स है और ये फिक्स नहीं है तो ये मूव होकर इनके पास आ जाएगा। अगर इनको और इसको कोइंसिडेंट करें तो देखिए पूरा चक्के चला गया। अब देखिए ये यहाँ से हट गया। एक्चुअली में इस लाइन को अगर आगे तक ले जाएंगे तो ये फिर टेंजेंट ही रहेगी। ठीक है, तो ये टेंजेंट ऑलरेडी है, बस इसकी लंबाई कम हो गई है। और अगर हम मॉडिफाई में चल कर ड्रैग कर दें इसकी लेंथ को तो देखिए पाएंगे कि वो उसमें अभी भी टेंजेंट है। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट आता है मिड पॉइंट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर में रखना चाहते हैं तो मिड पॉइंट कॉन्स्टेंट का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि इस लाइन को फिर से सेलेक्ट करते हैं, इस लाइन पे इस पॉइंट को मिड पॉइंट पे रखना चाहते हैं ना तो पूरी लाइन हट के उसके मिड पॉइंट पे आ गई। कंट्रोल जेड करते हैं, जैसे कि फिर से कुछ बना के हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एक हमने लाइन बनाई और एक सर्कल बनाया। कॉन्स्टेंट पे आते हैं और मिड पॉइंट इस लाइन पे हम इस सर्कल के सेंटर को मिड पॉइंट पे रखना चाहते हैं तो पहले लाइन को सेलेक्ट करेंगे फिर सर्कल के सेंटर को, ऑटोमेटिक मिड पॉइंट पे आ जाएगा। अगर अगर हम मॉडिफाई करके अगर एक तरफ की लेंथ बढ़ाएंगे ठीक है तो दूसरे तरफ की बढ़ेगी, या यूँ कहें कि वो सर्कल हमेशा इन दोनों लेंथ के सेंटर में अपनी पोजिशन को मेनटेन रखेगा, बनाए रखेगा। नेक्स्ट आता है सिमेट्री। तो सिमेट्री में सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर भी पढ़ लिया करिए, हिंट आता रहता है। ठीक है, जब भी अभी आपको कोई कमांड भूल जाए किस हिसाब से उसको ऑपरेट करना है तो यहाँ पढ़िए। सबसे पहले बोल रहा है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेलेक्ट करना है। ठीक है, यानी एक लाइन हमारे पास ऐसे होनी चाहिए और दोनों तरफ दो कंपोनेंट होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वो एक्सिस की लाइन सेलेक्ट करना है जिसके दोनों तरफ सिमेट्रिकल होगा। फिर बोल रहा है सेलेक्ट फर्स्ट 2D एच। तो पहले हम एक एच को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन के दूसरी तरफ हम दूसरी एच को सिलेक्ट करेंगे। जैसे इन दोनों एच को सिलेक्ट किया ये आपस में सिमेट्रिकल हो गई। अगर हम मॉडिफाई में जाके ड्रैग लेंगे तो जैसा हम एक लाइन के साथ व्यवहार करेंगे वैसा दूसरी के साथ होगा। ठीक है, इसको आगे ले जाएंगे तो आगे जाएंगे। ठीक है, इसके लिए देखिए इन दोनों का एंगल, ठीक है देख रहे हैं एंगल हमेशा बराबर रहेगा इन दोनों का। ठीक है, तो इन दोनों का जितना एंगल इधर रहेगा उतना एंगल इधर रहेगा। फिर से आते हैं कॉन्स्टेंट फिर से सिमेट्री लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे फिर इस लाइन को और इस लाइन को। ठीक है, दोनों आपस में सिमेट्री, ये लाइन इस लाइन से सिमेट्रिकल हो गई, ये लाइन इस लाइन से सिमेट्री बना ली और इस लाइन ने इस लाइन से सिमेट्री बना लिया। अब अगर ड्रैग करेंगे तो जैसा हम इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करेंगे वैसा ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ड्रैग होगा। ठीक है, सेम को पोजीशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, अगर इस लाइन को सपोज दैट ये लाइन अगर हॉरिजॉन्टल ना होती तो अगर इसको मूव करते तो दोनों आपस में उसी हिसाब से मूव हो जाते। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट आता है पैरेलल का। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल करनी है तो हम पैरेलल कमांड यूज करेंगे। जैसे ये लाइन है कॉन्स्टेंट में है पैरेलल, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन और दोनों आपस में पैरेलल हो गए। हम कुछ और सर्कल बना लेते हैं और कॉन्स्टेंट में नेक्स्ट आता है कॉन्सेंट्रिक, यानी दो सर्कल का सेंटर एक कर देगा। ठीक है, ये देखिए तीनों सर्कल एक सेंटर पे पहुंच गए तो कॉन्सेंट्रिक है। इक्वल रेडियस, अगर दो सर्कल का रेडियस इक्वल करना है तो वहां पे इक्वल रेडियस होगा तो हम अंडू करते हैं। इक्वल रेडियस ले लिया, इसके बराबर हम इसका रेडियस करना चाहते हैं तो जब इसका रेडियस अगर घटेगा बढ़ेगा तो इसका ऑटोमेटिक घटेगा बढ़ेगा। बॉडी पर हम चल कर ट्रैक करते हैं, इस सर्कल का रेडियस देखिए हम कम कर रहे हैं, जैसे कम कर रहे हैं इसका भी कम हो रहा है तो इक्वल रेडियस है।
इक्वल लेंथ किसी भी लाइन की, अगर इसकी लेंथ हम चाहते हैं इसके बराबर हो, हमेशा लेंथ इक्वल हो, तो अब इक्वल रहेगी दोनों की लेंथ। ड्रैग करते हैं अगर एक लाइन की लेंथ को बढ़ाएंगे तो दूसरे की लेंथ बराबर रहेगी। इवन ये कह सकते हैं कि अब इन दोनों की लेंथ बराबर होगी, बढ़ नहीं रही, ठीक है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा, तो फिर इसकी ये लाइन बढ़ेगी। देखिए अब कॉन्स्टेंट का यूज कैसे कर सकते हैं, फिक्स लिया, इस पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया, मॉडिफाइंग चलते हैं और ड्रैग लिया, इस लाइन को हम ड्रैग कर रहे हैं। अगर हमने इस लाइन को बढ़ा दिया तो ये लाइन भी इसके साथ साथ बड़ी हो गई, है ना। इस पॉइंट को एंगल बराबर रहेगा क्योंकि इन दोनों में सिमेट्रिकल कॉन्स्टेंट अप्लाई हुआ है। तो इनका यूज करके अपनी ड्राइंग को सुधार सकते हैं, ठीक है, और सिमेट्रिकल या कह सकते हैं कॉन्स्टेंट पैरामीट्रिक बना सकते हैं कि पैरामीटर्स के हिसाब से उसमें सारे ऑप्शन एडजस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, किसी भी पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बराबर कर देगा, इक्वल डिस्टेंस। तो बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ लाइन, ठीक है, फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वल डिस्टेंस कॉन्स्टेंट, तो पेयर सिलेक्ट करना है। इक्वल डिस्टेंस समझाने के लिए हमने पुरानी ड्राइंग को डिलीट कर दिया है, कुछ ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है, बोल रहा है फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करो, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, इस वाली लाइन की जरूरत नहीं है तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, बोल रहा है फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करो, सेकेंड लाइन को सिलेक्ट करो, और फर्स्ट और सेकेंड लाइन में किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर दो, हमने इस पॉइंट को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब कमांड से बाहर चलते हैं तो आप पाएंगे कि अगर इस पॉइंट को ड्रैग करेंगे तो ये इस पर कॉन्स्टेंट लग गया। फिर से मॉडिफाई चलते हैं, ड्रैग करते हैं, अभी कॉन्स्टेंट कंप्लीट नहीं हुआ। डिस्टेंस फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, ये डिस्टेंस ये कॉन्स्टेंट लग गया ऊपर वाले पॉइंट्स पे। फिर से लगाते हैं फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन नीचे वाले पॉइंट्स पे जी। अब अगर हम इसको मॉडिफाई में जाके ड्रैग करते हैं तो अब हमेशा इन दोनों लाइन की डिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है, और अगर एंगल चेंज करेंगे तो उस हिसाब से एंगल भी इनका दोनों का सेम रहेगा। तो अब ये है, इसमें ये फ़ायदा है कि अब ज़रूरी नहीं, जैसे पिछले जो कॉन्स्टेंट होते थे पैरेलल सिमेट्री उनमें बीच से दोनों तरफ बराबर होते थे, इसमें यह है कि हम किसी इसको कहीं पर भी जाके मूव कर सकते हैं, उसी हिसाब से ये भी मूव होगा। नेक्स्ट आता है ऑटो कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो इस ऑटो कॉन्स्टेंट में इन दोनों ऑप्शंस को चेक रहने दीजिए। इनका मीनिंग ये है कि जब लाइन बनाते हैं तो ऐसे लाइन जो एच नज़र आ रहा है लिखा हुआ, अगर ऑटो कॉन्स्टेंट हटा देंगे तो ये एच नज़र हुआ नहीं आएगा, और जो लाइन ऐसे बनाते हैं हॉरिजॉन्टल बनती है, फिर वो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी लाइन। और उसके साथ साथ ये जो जैसे ही माउस ले जाते हैं ना, ये ऑटोमेटिक एंड पॉइंट पे कर्सर दिखा रहा है ना, स्नैप कर रहा है, तो एंड पॉइंट से स्नैप नहीं करेगा, एंड पॉइंट से लाइन शुरू नहीं होगी, तो ये प्रिसीजन खो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इन इन दोनों ऑप्शन को चेक रहने दीजिए, कर्सर वाला हमेशा तो हमेशा चेक रहने दीजिए, ग्लोबल आप हर इसको अनचेक भी कर सकते हैं।